हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मंजू जीएस विस्तार क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। मैं आज आपके सामने बाल विकास की इस नई सीरीज में एक नए लेक्चर के साथ आई हूं, प्रेजेंट हुई हूं। तो आज मैं आपको कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी मनोविज्ञान से रिलेटेड जितनी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं हैं वो आपको बताऊंगी। जैसा कि मैंने कल के लेक्चर में आपसे बात की थी, मनोविज्ञान के ऐतिहासिक विकास के क्रम की बात की थी, तो ऐतिहासिक विकास के क्रम में हमने देखा कि जो पहला मनोविज्ञान यानी कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो पहला विज्ञान आता है वो है आत्मा का विज्ञान। अरस्तु महोदय यानी अरस्तु बहुत ही फेमस दार्शनिक होते हैं, वो इस कॉन्सेप्ट को लेके आते हैं और उन्होंने आत्मा के विज्ञान के बारे में बताया। लेकिन आत्मा के विज्ञान में कुछ कमियां पाई जाती हैं जिसकी वजह से उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। बाद में मन और मस्तिष्क का विज्ञान आता है, मन और मस्तिष्क के विज्ञान में भी कुछ कमियां पाई जाती हैं जिसकी वजह से इसे भी अस्वीकार कर दिया जाता है। उसके बाद में चेतना का विज्ञान आता है, चेतना के विज्ञान में प्रयोगशाला का निर्माण हो चुका होता है बट उसमें भी कुछ कमियां पाई जाती हैं जिसकी वजह से उसे भी अस्वीकार कर दिया जाता है। और लास्ट में एक नया विज्ञान आता है, व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान जेबी वॉटसन जी लेके आते हैं और जो आज हम प्रेजेंट टाइम में बात करते हैं वो है व्यवहार का विज्ञान। हमने देखा कि मनोविज्ञान के ऐतिहासिक विकास के क्रम से जब हमने बात की तो सबसे पहले हमने आत्मा के विज्ञान की बात की, बाद में हमने मन या मस्तिष्क के विज्ञान की बात की, थर्ड नंबर पे हमने चेतना के विज्ञान की बात की और फोर्थ नंबर पे हमने व्यवहार के विज्ञान की बात की। इन्हीं सब यानी इन्हीं ऐतिहासिक विकास के क्रम को ध्यान में रखते हुए वॉटसन महोदय एक फेमस कथन बोलते हैं। वॉटसन महोदय एक फेमस कथन बोलते हैं कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया। मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, मन को छोड़ा, चेतना खोई और अब वो व्यवहार के विज्ञान को स्वीकार करता है। अब वो व्यवहार के विज्ञान को स्वीकार करता है। ये जेबी वॉटसन जी का फेमस कथन है। जेबी वॉटसन जी का एक और फेमस कथन है, वो मैं फिर से आपको बाद में अच्छे से भी बता दूंगी लेकिन अभी मैं शॉर्टकट में बता देती हूँ कि जेबी वॉटसन जी कहते हैं कि मुझे अगर एक नवजात शिशु दे दो, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे जो चाहूँ, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे मैं चोर, मैं सब कुछ बना सकता हूँ। उन्होंने बोला कि एक नवजात शिशु मुझे दे दो, मैं जो चाहूँ उसे बना सकता हूँ। यानी कि ये बहुत ही फेमस कथन है वॉटसन जी का, इसलिए मैंने अभी बताया। जब मैं आगे अपने लेक्चर में इस चीज को मैं फिर से बताऊंगी तो आज मैं आप मेरा टारगेट है इस लेक्चर में आपको इम्पोर्टेंट परिभाषाएं बताना, मनोविज्ञान से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं जो टेट, यूपी टेट, सी टेट या डीएलएड के सेमेस्टर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, उन मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषाओं को मैं आपके सामने लेकर प्रेजेंट हुई हूँ। तो हमें परिभाषाओं को एक तरह से याद करना है, पूरी परिभाषा नहीं रटनी है, हमें केवल और केवल उनके की पॉइंट्स को याद रखना है। यानी कि मैं जब बताऊंगी तो आपको पूरी परिभाषा के साथ में केवल और केवल परिभाषाओं में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स होंगे उनसे आपको परिभाषाएं याद करनी है, क्योंकि ये आपके एग्जाम तक आपके दिमाग में फीड होनी चाहिए। आज आप ऐसे पढ़िए कि ये एक बार पढ़ने के बाद हमेशा आपके दिमाग में फीड हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जेबी वॉटसन जी, जो कि व्यवहार के विज्ञान को आपके सामने लेके आते हैं। उन्होंने जो परिभाषा दी है मनोविज्ञान की, इन्होंने बताया कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विशुद्ध तथा धनात्मक विज्ञान है। व्यवहार सब में आएगा क्योंकि आज हम व्यवहार के मनोविज्ञान को पढ़ रहे हैं,
इसलिए व्यवहार से रिलेटेड जो ये व्यवहार वाला शब्द है लगभग सभी परिभाषाओं में आपको देखने को मिलेगा। तो जेबी वॉटसन जी की जो फेमस परिभाषा है, उन्होंने जो अपना कथन दिया है वो ये कहा है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विशुद्ध तथा धनात्मक विज्ञान है। यानी कि इसका जो की पॉइंट होगा वो क्या होगा, मानव व्यवहार विशुद्ध और धनात्मक। मानव व्यवहार का विशुद्ध तथा धनात्मक विज्ञान है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विलियम वुडवर्ड जी के बारे में। विलियम वुडवर्ड की जो परिभाषा है, इन्होंने परिभाषा दी कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहार का विज्ञान है। वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहार का विज्ञान है, यानी कि वातावरण में जब इंसान रहता है, मानव रहता है, तो उसका वातावरण पे क्या फर्क पड़ता है, इस चीज के बारे में विलियम वुडवर्थ जी बताते हैं। वातावरण से रिलेटेड जो बताते हैं परिभाषा, वो विलियम वुडवर्थ बताते हैं। वे कहते हैं कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहार का विज्ञान है। नेक्स्ट परिभाषा आती है मन। मन महोदय जी कहते हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। नेक्स्ट बात करते हैं विलियम मैकडूगल जी की। विलियम मैकडूगल महोदय बताते हैं कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का विज्ञान है। आचरण एवं व्यवहार, यानी इनके जो की पॉइंट्स हैं वो आचरण और व्यवहार है। मैकडूगल जी बोलते हैं मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का विज्ञान है। नेक्स्ट बात करते हैं स्किनर महोदय बताते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। न लगा हुआ है, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। स्किनर महोदय बताते हैं कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। नेक्स्ट बात करते हैं गैरिसन एवं अन्य। फेमस है गैरिसन एवं अन्य बोलते हैं कि मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। जो मानव के व्यवहार हमारे सामने दिखाई देता है, यानी कि जो प्रत्यक्ष मानव का व्यवहार है, उस चीज को इन्होंने मनोविज्ञान बताया है। यानी कि मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं क्रो एंड क्रो महोदय जी बोलते हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। क्रो एंड क्रो की परिभाषा है, एक क्रो के अकॉर्डिंग मानव व्यवहार और दूसरे क्रो के अकॉर्डिंग मानव संबंध। यानी कि क्रो एंड क्रो महोदय जी के अकॉर्डिंग है मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं विलियम वुड जो चेतना के विज्ञान को लेके आते हैं। आपको पहली क्लास में मैंने बताया था कि चेतना के विज्ञान को कौन लेके आता है, विलियम वुड लेके आते हैं। ये वही विलियम वुड है जिन्होंने जर्मनी में लिप्जिंग शहर में पहली प्रयोगशाला स्थापित की 1879 ईस्वी, जिसे आज हम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं। ये मैंने कल की क्लास में आपको बताया था। तो ये विलियम वुड जो है वो चेतना के विज्ञान को लेके आते हैं। चेतना का विज्ञान
जो कॉन्सेप्ट लेके आए थे वो विलियम वुंड जी लेके आए थे। इन्होंने जो मनोविज्ञान की परिभाषा दी है, इन्होंने बताया कि मनोविज्ञान आंतरिक अनुभूतियों की खोज करता है, आंतरिक अनुभूतियों की, यानी चेतना से रिलेटेड है, आंतरिक अनुभूतियों की खोज करता है। अगर विलियम वुंड से रिलेटेड कोई भी डेफिनेशन होगी तो उनकी डेफिनेशन में आंतरिक अनुभूतियों की खोज ये की पॉइंट हो जाएगा, आंतरिक अनुभूतियों की खोज करता है। नेक्स्ट बोरी महोदय जी बताते हैं कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन करता है, मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन करता है, प्रकृति से रिलेटेड। यहाँ पे बोरिंग जी बोलते हैं, जब बोर होता है इंसान तो उसका प्रकृति से संबंध जोड़ के आप याद कर सकते हैं। तो बोरिंग महोदय जी बताते हैं कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन करता है। विलियम वुडवर्थ वातावरण के साथ संबंध बताते हैं, यानी मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहार का विज्ञान है। तो ये वो मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं मनोविज्ञान से रिलेटेड जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, और इन परिभाषाओं के की पॉइंट्स प्लीज आप अपनी डायरी में या अपनी किसी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ताकि जब भी आपका एग्जाम हो तो आप इन की पॉइंट्स को रिवाइज कर सके इजीली। नेक्स्ट हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब मनोविज्ञान के विषय यानी क्षेत्र में जब बहुत सारे नए नए शोध चल रहे होते हैं तो मनोविज्ञान का ही मनोविज्ञान क्षेत्र से ही रिलेटेड मनोविज्ञान क्षेत्र से ही रिलेटेड जब नए नए विचारधाराएं सामने आने लगती हैं, अनेक मनोवैज्ञानिकों की नई नई विचारधाराएं जब सामने आने लगती हैं, एक्चुअली क्या होता है कि मनोविज्ञान का तो क्षेत्र यही क्षेत्र होता है, इसी पे लोग अपने अपने नई नई विचारधाराएं प्रकट कर रहे होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो विषय वस्तु होती है अनेक मनोवैज्ञानिकों की जो विषय वस्तु होती है और जो भी प्रयोग विधि होती है, लगभग वो समान होती है, जिसकी वजह से लगभग ये समान होती है। तो कुछ मनोवैज्ञानिक होते हैं जो इन मनोवैज्ञानिकों की विचारधारा का विरोध करते हैं, उन मनोवैज्ञानिकों की विचारधाराएं मैच नहीं हो पाती हैं, जिनकी वजह से इस क्षेत्र में कुछ संप्रदाय बन जाते हैं। जिन मनोवैज्ञानिकों की विचारधारा एक जैसी होती है उनको अलग करके एक अलग संप्रदाय का दर्जा मिल जाता है। इस टाइप से हम देखते हैं कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में कुछ संप्रदाय आ जाते हैं। इन संप्रदायों में से सबसे पहला जो संप्रदाय आता है वो है संरचनावाद। सबसे पहले जो वाद आता है वो है संरचनावाद। दूसरे नंबर पे आता है प्रकार्यवाद। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे व्यवहारवाद की। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे समग्रवाद की। पांचवे नंबर पे हम देखेंगे मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद कल मैंने थोड़ा सा बताया भी था, सिगमंड फ्रायड के जनक हैं। मनोविश्लेषणवाद यानी इस वाद को बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक हैं सिगमंड फ्रायड, वो इसे लेके आते हैं। इनका मैंने बहुत ही फेमस कथन भी बताया था कि उनका मैंने बहुत ही फेमस कथन भी बताया था, कल की क्लास आप देखिएगा। और जो नेक्स्ट आता है संप्रदाय वो है मानवतावाद। नेक्स्ट संज्ञानवाद, और आठवें नंबर पे आता है धार्मिक मनोविज्ञान। यानी ये मनोविज्ञान के क्षेत्र में मुख्य जो संप्रदाय आते हैं ये आठ संप्रदाय आते हैं, और इन सारे आठों संप्रदायों के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे एक अपनी नई क्लास के साथ। हर एक टॉपिक को पूरी विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, कोई भी पॉइंट उसमें रहना नहीं चाहिए। इस संप्रदायों को पढ़ने का मेन उद्देश्य ये है कि ये जो मनोविज्ञान के संप्रदाय हैं ये आपके सीटेट और यूपी
यूपीटेट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सीटेट और यूपीटेट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इस वजह से इन सारे संप्रदायों को एक एक करके पढ़ेंगे, हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे अपनी नई क्लास में, क्योंकि एक दिन में बहुत कुछ आप भी बोर हो जाएंगे। इस वजह से हम नए लेक्चर में फिर से प्रेजेंट होंगे और आगे हम आपसे सीटेट एंड यूपीटेट में कैसे आपको अच्छे स्कोर गेन करने हैं इस विषय में भी चर्चा करेंगे। आपके सामने हम क्वेश्चंस की एक सीरीज भी लेके प्रेजेंट होंगे, ताकि आपको पता चले कि जितना भी आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आपके टेट और सीटेट के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप डेली अगर इतनी भी क्लास, जितनी मैं क्लास आपको प्रॉपर दे रही हूँ, अगर आप इतनी क्लासेस प्रॉपरली वॉच कर लेते हैं तो मेरा ये दावा है कि आपके 100 प्लस स्कोर जरूर आ जाएंगे। अभी तो मैं बाल विकास की ये सीरीज लेके प्रेजेंट हुई हूँ, थोड़ा टाइम मुझे चाहिए, मैं पर्यावरण की भी सीरीज लेके आऊंगी और आप जैसा बताएंगे, आपको जो भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो आप हमसे शेयर कीजिए कि आपको किस सब्जेक्ट में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, मैं उस सब्जेक्ट की भी एक नई सीरीज आपके सामने लेके प्रेजेंट होंगी। सो थैंक यू, अगर आपने इस वीडियो को पूरा वॉच किया है और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा है, तो प्लीज लाइक कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट आगे आने वाले सभी वीडियो आपको टाइम से मिल सके। सो थैंक यू।